मैं एक मारा पुराना साथी है, मलंग रह गया न्यू का न्यू, ब्याह होया नहीं। मैं गया उसका घर ऊपर चवारे में, जितनी हरियाणा की कलाकार सारी फोटो ला रहा, मगर मलंग यू के कर रहा है, पासी नैयर के ला रहा, सरिता चौधरी, नीलम चौधरी, कुसुम तंवर, मधु शर्मा, अरवा कृष्णा, वो तो लब बुला रहा है, सारिया के फोटो ला रहा। मन कह रहा यू इसका नूला भाई साहब मर रागनिया का शौकीन भी हूं, और दूसरी बात न्यू है ब्याह हो नहीं रहा, फोटो देखते राजी हो लिये हूं। मगर यार ये तो कोई बात नहीं मनी, बोला कोई नहीं, सोचूंगे भाई साहब कभी न कभी मेरा असलियत में तो नहीं, सपने में आवेंगी, सपने में तो शादी होएगी। मैंने कहा फिर बैठे नहीं कोई सूत, बोला कत्ती नहीं रहे। मैंने बहुत कोशिश कर ली कि सपने में सरिता आ जा, नीलम आ जा, पासी आ जा, मधु आ जा, कोई सुताव है, फिर मैं सूत नहीं बैठा। बोला कड़े सूत बैठा, आंख मीच हूं और मास्टर सतवीर खड़ा दिखा है। बोला भाई साहब एक एक मिनट उठा मिले, एक मन मरी सी मेरे खबात वारा कर लियो, भैया थाम ले यार, कांगड़ा बंद है जब का बैठा बैठा। अच्छा मैं उधर पानी पर सुना था एक छोटा सा आइटम, जैसे मैं पीछे आया आपके इलाके में रेडियो वाला, मैं एक आपको सुनाता था, आजकल टेलीफोनों में इसी प्रकार की दिक्कत हो रही है। क्यों मैं जैसे मैं सुना करता टेलीफोन में, आजकल नहीं हुआ दिक्कत है। एक दिन मैंने एक जगह मिलाया फोन है, एक मैडम के पास मिलाया था, और इतना मोर बोला हाँ क्या बात है। मैंने कहा जी रॉन्ग नंबर, और मिला नहीं, फिर मिला और कितने मिला, तीसरी बार फिर ओड़े उस पर ली जगह। मैंने कहा जी ये फला नंबर है क्या, मैंने फला मैडम उससे मैडम से बात करी थी, न बोला कड़े मैडम मैं थाने का मुंशी बोल रहा हूं, इसने तो ऐसे ही गड़बड़ हुई। मैंने टेलीफोन मिलाया, मेरे पास आया था, पानीपत कंपटीशन में सारे कलाकार गए हुए थे हमारे साथी, पानीपत कंपटीशन के बारे में पूछा था कि भाई कौन कौन कलाकार आओगे, मेरी राम राम दिए सारे ने, और दूसरा करना चाह रहा डांगर ढोर की बतलाऊ एक टेलीफोन पे, बट डांगरा आजकल खेद आ रहा है, जीरी मार दी पानी नहीं, इस प्रकार की बात होने लग रही, कभी मारी बात सुने कभी उनकी सुनो, मैं दोनों क्यों करगड़ मडो है, और आजकल तो टेलीफोन में भी बड़ी दिक्कत है, घंटी डाल के आवे आए आए न्यू नहीं, मेरा पड़ता काटड़ू रिंग है कि टेलीफोन आया, तो सारे कलाकारों का हालचाल पूछने के लिए मेरे पास जैसे फोन आया, उसने पूछा हाँ भाई महावीर गुड्डू, अरे सारे कलाकार आओगे भाई, मेरी राम राम दिए, क्या हाल है सारे कलाकारों का। दूसरा कहने आवाज आई अक्सारे हम पानी दे रखा है। इतने फिर पूछा नवलेरा मास्टर सतबीर का क्या हाल है, दूसरा कहने आवाज आई अक्सुक की तुड़ी खांदा नहीं खड़गेर नहीं पड़े है। फिर पूछा रे सरिता चौधरी का क्या हाल है, नून कहने आवाज आई अक अमरीकन सुंडी लागी स्प्रे कराना पड़ेगा। फिर बोले रे राजेंद्र खेर क्या क्या हाल है, नवला छोटी काटड़ी बच्चे रहता पड़के टांग तोड़ा ली। फिर पूछा कि रणबीर बड़वासनी का क्या हाल है, नुमले उसको तो सींग में कीड़े पड़के तो धात गड़ बेच आए। फिर नीलम चौधरी का कई बालक ने पूछा कि भाई नीलम चौधरी का क्या बहुत उसको तो कई बालक हो लिया क्या हाल है, नुमले सारे कंपेन तो कटा दिए। आखिर में आखिरी मैंने बोला पासी नैयर का क्या बहुत सब आई, दूसरा कहने आवाज आई अग नहीं होंगी बाजी थी आ नीली है। तो लीजिए राजेंद्र खेकिया अपने साथी, और ठीक एक महीने बाद उस प्रेमवती का जब लेटर गया और मेर सिंह ने पढ़िया तुम जानो सो नहीं नहीं जब शादी हो, और जब उसका घराली का लेटर पहुंच गया तो छोरे का गुदगुदी आपे हो जाया करे। सीओ साहब द्वारा लेकर लेटर ने पहुंच गया उदास चेहरा हो रहा, सीओ साहब भी जान गए हाँ कि मैंने किम बात से नजारा मेरे सिंह के बात है, नुमला जी
तो दो एक दिन का आउट पास दे दो ना। नुमला क्यों बताऊं लग गया। नुमला मेरे सिंह ने भाई गा देता है तीन दिन का चला जी के कहने लग गया भला नुबल कसी वो साप मन छुट्टी दे दे तू ते कर ले दया मेरी हो सी वो साप मन छुट्टी दे दे सोचेगी
कद ओ डूंगी जरी कर के याद रोवती होगी बात बहु मेरी भाई राजेंद्र खेर किया का भाई राजेंद्र ने एक शेर सुनाया था कुछ चिलमना ठाणे टूने का इस गलत नियम में बने है। इसने शादी हुई जब कहा कि मैंने कहा घूंघटा उठा मैंने कहा घूंघटा उठा उसने कहा पैसे दिखा मैंने कहा घूंघटा दिखा उसने कहा पैसे दिखा मैंने कहा पैसे नहीं उसने कहा तो फिर ऐसे नहीं मैंने कह रहे महंगाई है वो कहने लगी तू जा मेरा भाई है इतनी में लग गयो ही भाई किते ब्याह के लेना किते ले जाना ये तो दूबा वर्ग नारे हैं फंसे पड़े मैंने तो सच्ची बात तेरे तो ऊँ चुप गई मैंने चुप हुई थी उसके तेरे तो ऊँ लाग गई कोई नुका देख लिया आज तो इतनी सुतरी छोरी देखी और इस प्रकार का आय हाय रहे जकर और का है अस्वाद उसना वह वो इनमत है एक बात की माफी क्योंकि कंपटीशन काफी हो है यूं नहीं बेरा पड़ता कौन सा कड़ा चुटकला सुना लिया हो सकता पुराना आ जा तो और नया सुनावांगे बीच में कोई टोकेगा तो वह बनेगी मारा गला फिर से क्यों करे बनो स्कूल में एक इंस्पेक्टर आया भगदड़ मचरी कोई नून भाज रहा कोई नून भाज रहा वो जो चेकिंग करने आता इंस्पेक्टर गया कौन सी क्लास है रही ये न बोले जी सातवीं क्लास है मॉनिटर को बुलाओ मॉनिटर आएगा उसको एक मारा खींच के दड़ाक आराम खोर किस बात का मॉनिटर है तू अरे देख बस्ते ठीक नहीं है फर्श ठीक नहीं बिछरे तू बाहर खड़ा किस बात का मॉनिटर है तू अच्छी डांट लग गई थी एक खींच के दड़ाक लग गया रोंदा रोंदा न्यू बोला जी मैं मॉनिटर को नहीं बोला क्या तू बोला मैं तो बाहर चाह की दुकान पर कब धोया करूं मॉनिटर तो रोटी खान जा रहा है एक घंटे का काम चलाना मन ने तो मास्टर जी को बुलाओ मास्टर जी आएंगे कहने लगे मास्टर जी शर्म आनी चाहिए आपको मॉनिटर आपका गायब है आप बाहर खड़े खड़े बीड़ी पीने लग रहे हो ये बच्चे स्कूल में नहीं किस बात की तनख्वाह लेते थोड़ा जलील कराया उसका भी छोटा ने बोला छोमना और मैं मास्टर को मैं तो गांव का डाकिया हूं मास्टर तो ससुराल में जा रहा है आज आज का काम चलाना है मैंने तो हेडमास्टर साहब को बुलाओ हेडमास्टर आ गया बोले हेडमास्टर साहब के दरमचा रखे हैं आप दफ्तर में नहीं बैठे मास्टर आपके गायब हैं स्कूल में पौधे लग रहे किस बात के हेडमास्टर हैं किस बात की तनख्वाह लेते हैं
काम गई मतलब काफी डांट मारते सीधा हो भी होगा बोला सिर पर नचद मैं हेडमास्टर कौन मैं तो डांगरा का डॉक्टर हूं हेडमास्टर तो समझाणा रहा चार दिन में आओगा इतना मनने संभालना है कोई वो मैं जाऊं वो डांगरा वाली साथ दे आधे हेडमास्टर वाली मैं साथ दे आऊं इंस्पेक्टर कहने लग रहा क्या होगा इस देश का क्या होगा इस शिक्षा विभाग का अरे मॉनिटर नकली मास्टर नकली हेडमास्टर नकली ससुराल तो हम सारे सस्पेंड हो जाते अगर मैं असली इंस्पेक्टर होता तो बोला ओ मैं तेरी गैली चलूंगी हो
तो सुती लगी हो बकाश का कमने पिटवावे जैसा की बदकार हो देखे जाए तू क्या है जो ना हो मैं चुकर खानू मारू हो मेरे कर्मा मैं कड़े दरिया था अड़पड़ मूड गवार हो पति आदमी का सोन का अपना स्टाइल है कोई मूंदा सोवे कोई सीधा सोवे कोई आड्डा सोवे कोई गोड्डे मोड़ के सोवे आपको पता है सोन का जिक्र था और जब आदमी सोवे तो सुते सुते ना सांस भी अपने अपने स्टाइल के आते हैं किसी ने खराटिया या किसी ने नहीं आवे खराटे के अपने स्टाइल है वो पांच चार स्टाइल में आपको सुनाऊं कई बार आदमी खराट वाले भीतरे खाजा बार कुछ भी नहीं लग रहा अंदर खत्म हो रहे कई आदमी खराटा यूं ले भीतर तो जा क्यों करे बाहर नहीं लग रहा जानू गास रंद है एक खराटा जावे क्यों करावे कैसे एक खराटा मरीज ले अस्पताल में अमर क्या रे डॉक्टर अरे तू नहीं आता किसी सुतरी सी नर्स में गाल दे एक खराटा थाना में सचो साहब ले मार मैं चल का चित्र में क्रॉस करे मैं गिर लिया डा एक खराटा छोरी ले छोरी नाम आंदे देखो कर जीप फेर के उठा मैं कोई बात नहीं पहले तो मन ने भी नहीं बेचा मन ने ब्याह में पाछे बेरा पटिया है और कई खराटे हमारे जुगाड़ ले उन्हें बैठे फिल्म देख के आवे कंपटीशन देखे और कि भी कमे कमे देखे अरे फलानी ये बड़े बड़े न्योले इसे कई जुगाड़ बैठे एक बार बूढ़ा खाट में बैठा छोरे की बहू धार काढ़न लग रही और उसका पोता रो है कोई ध्यान नहीं दे रहे उन पे बहू का छो उठा अगर बीच में छोटा तो कदया माए सुखर जा अरे बुढ़ो कड़ने शर्म नहीं आंदी छोरन ठंडा नहीं छोरा एक सांस रोन लाग रहा जैसे तैसे
तोल होल करके दार काढ़ी उसने नून तो बाबू चाली छोरा कहने और नून तो बुढ़ा चलिया और बहू थी कड़े गए नोड़े लोला ना किया मेरा छोरा के बुढ़ा खड़े जिमका रोला है था जिमका क्यों लगे लोए दूध नहीं मेरा छोरा का लोला गण की बोलिया सुन ले कोई बात नहीं मैं तेरा छोरा लोए कते लगता फिर तेरी मान को डूंगा तो तू मेरा छोरा का लोला लाएगी तो बोलिया तो इनके पिताजी बड़े सुलझे आदमी थे उनका भी जवाब नहीं जैसे मासे जी हैं बढ़िया गाने वाले हैं और चुटकुलों में इनका जवाब नहीं हम तो इन्हीं जैसों से सीखते हैं। अब किसी ने कहा कि ठाकुर साहब पल्ले बहुत अच्छा गाने वाला भी हो गया और चुटकलेबाज भी। वो बोला हाँ ससुरा छोरा तो मारा है न्यू करो जहाँ मारा फलतू बोले ना तरत फलतू है लिया बोले अरे देखा है कोई सूत बैठ गया तो ये वो ताऊ जी जो मारा बाल बनाने लग रहा अपने नहीं मतलब एक और एक अरे उन तो पल्ले आ गया एक बोले ले छोरा आ गया है नू बोले इबे ले बंदे ने बोलिया सुन रहा है पल्ले ना बोलिया नू बोले नू कहते त्रिमान में ही होया अर शह शू गल के तैयार हो लेगी एक बोले चल लिया अर दो ढंग टेकता है उल्टा बोलिया नू बोला बाबू जब मेरे वाली मान ना पाओ तेरे वाली मान के तू तैयार पाओ बोलिया है जी बहू किते सोवे बेबे के लगे है किते सोवे और फिर सोन जब सोन का टाइम हो लेगा ना नुका का आड़ा नहीं सोऊ नु बोले और अक मैं तो बेबे थोड़ा सोऊंगा इसी जगह नंबर पड़ा रहा तकत कलोवे बैठा बोलेगा भाई पंडित जी राकेश कलोई युवा कलाकार बहुत बढ़िया कलाकार। पहले जितने भी सज्जन नौजवान बुजुर्ग आदमी यहाँ पर आए हुए हैं सब कोई बात नहीं सारे स्वाद होंगे तुम कल ये मत मानो इस बात की देखे मना मानो धीरे धीरे मतलब किला भी पर जया करे बताऊं एक बैसा सूत बैठा तड़का तड़क एक बुढ़िया जी भी रोड पर साग लेने चली गई रहे ने मेरे यार सारी चौथ के गाय से नहीं अरे भाई देखो भाई साहब अरे वह जाए पथे उड़े उन्हें न्यू ब्यो देखा एक लाइन में को 25-26 महिलाएं खड़ी और उनकी चेकिंग होने लग रही इनका कि मैं बीमारी तो ना हो ते जब जब वह 25-26 खड़ी एक भाई तो वह बुढ़िया न्यू बूझ बैठी अरे अरे क्या हो से बड़े बड़े मस्टंडे पड़े हैं न्यू बोलिया ताई अरे टॉफी बट्ट बुढ़िया सैर दे इन लाइन में लागी अर लगे पाछे जब उसका नंबर आया तब तो पुलिस या न्यू कह लागे तने शर्म आई ताई ऑड मोर हो रही तेरे मुंह में जार ना दांत ना तू के कर सका है ऊ बुढ़िया न्यू सोची टफ है बारे में कोई और उड़ा हो रही गड़बड़ न्यू बलिया रे भाई जब कोई बात ना हो गड़बड़ ना हो तब भाई और कुछ ना कर सकती था चूसते सकोए हो एक रानी थी 70 साल हो गए ब्याह ने 90 साल की उम्र होगी वह रानी ने बोली महाराज उनके पास कोई संतान नहीं थी न्यू कह लागी महाराज अगर जब मेरे भी किम हो जा मैं भगवान ने शुक्र मनाऊं न्यू कह लाग गया रे जब तेरा किम हो जा उन देवता की मेहरबानी होगी एक दिन ईसा सूत बैठा वो नारद मुनि पहले इस राज गद्दी के ऊपर बड़े बड़े राजा महाराजा आ जाया करते अरीब ईब तब लालू प्रसाद यादव और राजा हूं
एक दिन नारद मुनि काना हो गया न्यू बोला बच्चा तेरे पास क्या कमी है। न्यू बोला जी कोई कमी नहीं, अब किस चीज की? एक मेरी रानी है वह बड़ी परेशान रहे, एक लोगाई के पास जब संतान नहीं रहती वो बड़ी दुखिया हो जाती है। जब वो नारद मुनि उस रानी के पास पहुंचा और जाकर उसने न्यू कही, अब क्या बात है बेटी? न्यू बोली महाराज मेरे पास 70 साल तक मेरे ब्याह हो गए, 90 साल की उम्र होगी, अरे बूंद जोड़ का मेरा नहीं होया और राजा भी थोथा लगड़ाया। न्यू कह लग जा रहा न्यू क्यों करे तो वो न्यू कह लगा बेटी उपाय तो मैं बता दू पर तेरे तो निम बनी, अब क्यों अपने राजा की दूसरी शादी करवा दे। अब दूसरी शादी, जब लोगाई ने दूसरी शादी का जकरा सुना था एकदम न्यू भाजी भाजी अंडिया सौका होगी तो उसने न्यू सोची और तक कोई इस बुढ़ापे में इस बुढ़ोंगण में कोई ब्याह हुआ नहीं। मेरा ईसा जी ग्रह छोटी बहन थी उसकी छोटी सी सरुचि 16 साल की उम्र है, अब जा उसने जोड़ी करके मांग लूंगी तो को ब्याह देगा ना टाल। सांझ ने राजा घर पाया और घर पाण के जब उस तेनू कह लग गया के बीमारी होगी भाई तो रानी एक दमाशन पार्टी लेकर पड़ जाती है और न्यू कह लग गया महाराज बस बस की बात नहीं। न्यू बोली हो मेरा घरा जाने ले जी करा से मन बोलिए 70 साल दखे उठे से पर जो सुन दिया वो तो चुतड़ा मटी झाड़ के नहीं जाएंगे। पर इस बात ने सुनो दखे सब चीजा ते मन भर रहा, सब चीजा ते मन भर रहा और के खालू सब चीजा ते मन भर रहा के खालू कोई बालक बच्चा नहीं मेरे जिस दिन चल ला लू 10-15 दिन में फलती आलू हो 15 दिन में फलती आलू और खेल करे Oh,
आदम ना तीरथ देख लिए ना कर के हाथ देख लिए काम के रुख देख लू दार हो बंदी हुई मेरा मन मोवर इन घोर अंधेरे मैला में पिया के तो है। और जब इतनी बात हुई जब ये छोटी छोटी बात का बरोड़ा हुआ आगरा को दे में जब इतनी बात हुई उस राजा का इतनी लामिला मिया सुहागी न्यू कह लागे रहा तू अपने घर क्यों जा बोले महाराज और के करूं देखे बालक बिना जी लगता ना तू अपने कुर्सी पर जा बैठे। जब राजा के इतनी लामी लामी आंसू देखी तो वह न्यू कह लागी महाराज ये काम कर ले कौन सा देखे सोबक सोबक है शर्मावत था तो वह उसकी बहू एक बात के द्वारा क्या कहने लगी भला हाँ देखे भोले भाड़े पिया मत शर्मावे शर्मावे मत शर्मावे भोले भाड़े पिया मत शर्मावे शर्मावे मत शर्मावे तू प्यार मेरे ते कर लिए बस हाथ खवे पे कर लिए भोले भाड़े पिया मत शर्मावे शर्मावे मत शर्मावे भोले भाड़े पिया मत शर्मावे
बार छोड़ के आई साथ तेरे क्यों मुंह मोड़े से कर ले लाड मेरे घर बार छोड़ के आई साथ तेरे क्यों मोड़े से कर ले लाड मेरे शर्म शर्म करनिया न भर लिए तू भी नारे चले वीर करना बहन ढंग ताना कर दी तू मैं तेरी गै मर करा कर वीर मेरे सर पे इश्क जनू के राम गोपाल मेरे सर पे इश्क जनू उन गुरु से उसने सुमर लिए हसी हाथ करे पर नाम देती है बार बार धन्यवाद दिया मैं अरे कि चले तो मैं अरे उन्होंने दो करना है अरे थड़े के बिगड़े है आजकल
अरे तो उन्हें पाछे मुर्गी फार्म खोल रखे है जुमा अरे था लेगा तेरे बाग ले रहे है पछले मरा गाथा मोगले तो आप सीधे रखेंगे हम अरे बोल तो नहीं खत्म ही आ रहे आपने चुटकले सुने होंगे आसाने वाले भी चुटकले सुने को रोमांटिक चुटकले सुना दे को गंदे चुटकले सुना दे मैं दो चुटकले छिड़ांद भरे हुए सुनाऊं तार दें एक बार एक लाला जी का कब्जी होगी और वो घूमन जा रहा कोठ में बैठे बैठे कंछ पता पता एक सूर रिंग है उन्हें बाट में अगबनिया के मैं करेगा काम नुन तो बनिया तिसके नुन तो सूर जब गणिया नोली ने बनिया ने बोला छोड़ी छोड़ के क्यों रिंग लाग रहा है तेरे मारे टस्कू मिला मैं तो मैं टिकाई का दान देता रे मारे टस्का हम अरे भाई तू भी उसने कही दिया बुढ़े ने ईसा एक काम हो रहा है एक बुढ़िया कमजोरी टसके ने उनका सुर रिंग है गणियान होगी जब एक बुढ़ा ने बोले मेरी सासी को इंडिकेट दियो कहते सुर का जी लिखन हो रहा है तो भाई मारे तोले खे हो मांस तो दूध गिरन हो रहे ने आजकल जनसंख्या इतनी बढ़ गई कितने जाले भीड़े भीड़ अस्पताल में जाले ओड़े भीड़ कचहरी हम जाले ओड़े भीड़ थाना हम जाले ओड़े भीड़ स्कूल हम तो किलबिलाट में चिरा है और नाम खत्म हो गए नथू गरदाला प्यारे रलदू दलने वो नाम थे आजकल दिख दे नहीं आजकल तो चिंटू पिंटू निंटू शीटू गुड्डू बुड्डू इसी के नाम है नून बेरा पड़ता बड़का नाम है कुत्ते के नाम है जन्यू जनसंख्या बढ़ती रही या तू डंडा दे रहा तो ओड़ा नहीं मिला उसको दे ई बार ताल काटने लगे मन भी बोल दो और जो पहले नाम थे देसी नाम है घना परिवर्तन नहीं करे हमारी अंग्रेजी बना दी उनकी जो गामा में पतासो थे पतासा मीठे के आहो किसने खोल दिया रही तड़के तड़के ऊ जरू माता जोत खाना कुतरू है तो दो दिन का नाम पता सो था उन्हें स्वीटी कहन लग गए जिनका नाम गुलाबो था उन्हें रोजी कहन लग गए पिलपिले पिलपिले पप्पू कहन लगे छिणकले छिणकले सन्नी कहन लगे ज्यादा फर्क नहीं आया है जन्यू में जनसंख्या बढ़ती रही तो नाम खत्म हो जाएंगे पावे ही नहीं कोई भी नाम तो लगेगा नहीं है तो उसका दादा का है दूसरा नाम देंगे मामा का फूफा का नाम बिड़ेंगे हो सकता लोग फिल्मों के पक्ष लाग लें अब फिल्मों के ऊपर नाम होंगे तो बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा होगी कोई रिश्ता लावेगा या और कोई पूछेगा फिल्मों के ऊपर नाम होंगे तो कैसे लगेंगे मेरा अंदाजा है जैसे इंट्रोडक्शन कराऊंगे कोई आ गया कि ये है मेरी दादी इसका नाम है ये आग कब बुझेगी यह मेरी घराली जंगल की हसीना यह मेरी बेबे चंद्रावल यह मेरी भाभी दाबरनिंग ट्रेन ये मेरे पिताजी प्राण जाए प्रवचन न जाए ये मेरा बेटा जीने नहीं दूंगा ये मेरे भाई अमर अकबर एंथनी और ये मेरे साले ओली बाबा 40 चोर तो ऐसी स्थितियां होगी तो दिक्कत ही दिक्कत है आगे भाई गड़वे बंद लाग रे बन गया भाई यार ये लाग रहे काटुआ पाड़ में आओ जी दैया म्यूजिक सेंटर खरखोदा 100 रुपये देते भाई साहब का बहुत बहुत मेहरबानी कसूती चोट रे कई बांगरो मार कसूती चोट रे गोरी गोरी
छोरी मांगरो मार कसूती चोट रे छोरी कोई कोई छोरी करे सारा ले मैडम की ओत रे कोई कोई काटी छोरी गात चढ़ी थी उसका दो बन छलक खुशी हो मिलक उसका दो बन छलक खुशी हो मिलक देखा ना कोई और कसूता बोत रे कोई काटी छोरी
ताऊ दोनों की खिंच गई। और वकील तो कह मैं पढ़ रहा और बूढ़ा न्यू का मैं कढ़ रहा। वकील कह मैं सियाणा और बूढ़ा कह मैं सियाणा। अब उनकी फैसला कैसे हो? वो वकील कह लगा ताऊ तो एक काम कर, ये शुरुआत थोड़ी समझने की, आगे बढ़िया चुटकला है कि ताऊ तू एक काम कर, तू मेरे से तीन सवाल पूछ। युवाड़े मेरे हमारा तक थोड़ा खुड़का कर लिया के ताऊ तू मेरे पर तीन सवाल पूछ, जब मैं तेरे जवाब तो दे दू तो तू आए सवाल गले मन्ने सिर्फ जो है ना 5 रुपये इनाम के दे दिए, और अगर मैं तेरे जवाब नहीं दे सकूंगा तो 100 रुपये जुर्माना दूंगा। बोला ठीक। कह लगा फिर 3 सवाल मैं पूछूंगा, अगर तू जवाब तो दे देगा तो मैं तेरे को 100 रुपये प्रति सवाल जो इनाम दूंगा, और जवाब ना दे सके तू तो 5 रुपये जुर्माना दे दिए। कहता ठीक भाई। ये वकील साहब ने पूछे सवाल के ताऊ फला धारा कौन सा केस में लागे? नुबला कौन मेरा भाई? नुबला लिया 5, नुबला ले 3 सवाल पूछे 5-5 रुपये करके, कौन मेरा भाई? 15 रुपये जुर्माना दे दिया। फिर ताऊ बोले ले वकील साहब खड़ा हो जाए मेरे सवाल का जवाब दे। नुबला पूछ। कह लगा इस जनौर का नाम बता दो, उड़ा है और एक पा आकाश में और एक धरती में। इव लाएगा अंताजे वकील सोच साच के, नुबला ताऊ कौन मेरा? नुबला लिया 100 लेके सोर गाल लिए गोज में। नुबला ताऊ तू तो बता। नुबला बेरा मन भी नहीं ले 5 रुपये बोला जी साले। डरे माले हेलमेट पर बैठियो फिर मारा बैंगन पाड़ लियो तम आगे तो हम भी तैयारी कर आ जावांगे। अच्छा जी बस बस कोई बात, ये अपनी ख्वाहिश है जान दे से। ठीक है जी आपकी सिफारिश हमने सुन ली, कोई बात नहीं जान दे मेरे आपकी सिफारिश हमने सुन ली, हमने सिफारिश सुन ली, आपका धक्के लागे बैठो। और दौड़े बैठा है ठीक से अपना जबते में कोई रोल नहीं, मेरा भी माशा जी चिर देगा, मना से टकराया भी है चटके से लाग रहा है यू माशा जी मोहन बैठा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए कई बार नू चले तो कोई बैन तो मैच चलिया वे उठा जाना अरे बड़ो लौटे पाछे टेंट में टेंट में लौटा ऐसा लगा तेन डिस्ट्रिक्ट में सांझी फर्स्ट आ रही है। आओ जी माशे पाले राम और रणबीर जी बड़ी आपके चहेते कलाकार टिकाई तो सुनो खींच के धरती का अंगला के आपके सामने सुनाऊंगे। शर्मा जी ने आपसे सारी बातों के बारे में सुझाव दिया, सब भाई उस बारे में खूब जान चुके हैं कि